काली मिर्च अपने हाथ से रखो ना, सात रखी सात, ठीक है। हाथ आगे कर दो, आज के इस वीडियो में बताएंगे जादू टोना कैसे सही होता है, इससे कैसे बचा जाता है, ये जादू टोना क्या होता है। 5 मिनट में यहाँ पर जादू टोना की समस्या सॉल्व हो जाती है बिना परेशानी के दोस्तों, बिना खर्चा के। यहाँ पर कोई भी खर्चा चार्ज नहीं है, पूरा एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना, जरा सा मिस नहीं करना। जादू टोना की पहचान कैसे होती है ये वीडियो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पूरा देखें। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। यहाँ पर ये दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, यहाँ छाछ पिलाई जाती है, फिर उसके बाद में तीसरा प्रोसेस शुरू होगा। जादू टोना आपके सामने निकाल करके पूरे प्रूफ के साथ दिखाए जाएंगे और मरीज खुद बोलेगा मैं 5 मिनट के अंदर ठीक हूँ भाई, मुझे सारी परेशानी खत्म हो चुकी है, पूरे प्रूफ के साथ दिखाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल DS फास्ट ब्लॉग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं दोस्तों आपको जादू टोना कैसे निकाले जाते हैं, जादू टोना क्या होता है और जादू टोना के सही होने के बाद में इससे क्या क्या परहेज करना चाहिए और क्या क्या इससे बचाव करना चाहिए। और हमारे यहाँ पर 5 मिनट में आपको रियल प्रूफ के साथ में फायदा होता हुआ दिखाया जाएगा। हमारे यहाँ पर टोना होता है जब भी मरीज को बुलाया जाता है, टोना नहीं होता उसके लिए मना किया जाता है। 90% लोग हमारे पास कॉल करते हैं, आते हैं, तो उसमें से दोस्तों मुश्किल 20% लोगों को ये टोना होता है। और आपके सामने यहाँ पर पेशेंट सारे काम करते हैं, यहाँ पर बाबा केवल अपने हाथों से कुछ भी नहीं करते हैं, वो मंत्र पढ़ते हैं बस, बाकी का सारा काम यहाँ पर पेशेंट करते हैं। यहाँ देख रहे हैं भैया आए और काली मिर्च उन्होंने अपने मार्केट से लेकर के आए, खरीद के लाए, छाछ भी लेकर आए, सारा काम उन्होंने अपने हाथों से किया है। और ये भैया अलीगढ़ के ही हैं, लोकल के हैं हमारे पास के। तो इस वीडियो में अच्छे से एड्रेस भी बताने आ रहे हैं, दिखाने आ रहे हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है तो चैनल पर जाइए, वीडियो देखिए, सारा प्रूफ के साथ में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप जादू टोना की पहचान अपने घर पर कर सकते हैं, जादू टोना किसने दिया है या नहीं है सारी जानकारी अपने घर पर कर सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरीका के पेशेंट हैं कुछ जादू टोना के परेशान हैं और दवाई गोली कराते कराते परेशान है, टेस्ट कराते कराते परेशान, सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं दोस्तों, ऐसी समस्या में क्या करें। इस समय पर आपके लिए जादू टोना पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको जांच करानी चाहिए और बाबा हमारे आपका हाथ फेस देख करके सारी परेशानी आपकी बता देते हैं कि जादू टोना होता है या नहीं है। ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, हमसे जुड़िएगा। और हम लेके चलते हैं आगे की ओर, ये इस तरीके से देख रहे हैं आप, जहाँ पर इनको खिला पिला करके जो होता है या निकाला जाता है। इन्होंने छाछ पिया है, 4 पैकेट और काली मिर्च अपने हाथों से ली खाई और उसके बाद हमारे गुरु जी जहाँ बैठे रहते हैं किसी से काम नहीं करना, बाकी सब इनके साथ के आने वाले वो करते हैं। अब दिखाएंगे आपके साथ में इनको टोना निकलेंगे या ना निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे होते हैं टोना, इनको फायदा मिलेगा या ना मिलेगा, ये अपने आप खुद ही बताएंगे। दोस्तों आपके सामने यहाँ काम चल रहा है और ये कर रहे हैं, इनके साथ ही आए हुए 3 लोग हैं ये, और दिल्ली से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, ये हम सब आपके लिए अभी बताएंगे, और भी हैं उनसे भी निकलेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है लेकिन नॉलेज आपको फुल मिलेगी, इसमें पूरा एड्रेस भी बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं भाई एड्रेस आपने पूरा ठीक से नहीं दिया, भाई वीडियो तो हमने बनाई है काफ़ी, जो वीडियो सबसे पहले वीडियो बनी थी एड्रेस वाली वो वीडियो थोड़ा नीचे जा चुकी है, इसलिए आपके सामने शायद वो वीडियो नहीं आ पा रही है, इसीलिए तो आपको दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर बाबा जी का पार्सल नंबर आपको दे रखा है हमने कुछ वीडियो में, उनसे आप लेकर के अपना संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल फ्री चार्ज है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता, अपनी खुशी से आप जो दोगे वो आप ले लेंगे, बाबा आपके पैसे से हाथ भी नहीं लगाते यहाँ पे। तो एक बार हम बाबा जी और बात करते हैं, थोड़ा सा पास है तो गुरु जी आपकी कोई फीस है यहाँ पर? मेरी कोई फीस नहीं है, जो मर्जी में आवे जो दे जाओ, ना मर्जी में आवे देखा। दोस्तों यहाँ पर कोई भी फीस नहीं होगी और बस सारा सामान आपको लेके आना होता है, आपको अपने हाथों से करना होता है, गुरु जी का एक महामंत्र है वही काम करता है। और यहाँ पर 90% लोग आते हैं और एड्रेस सेंड करते हैं फोटो और सारी समस्या होती है तो बता देते, नहीं है तो नहीं, उसे मना कर दिया जाता है, यहाँ पर फालतू में काम उससे नहीं मिला। भैया इनके साथ में आओ, कौन है कुल्ला बुल्ला करा रहे साइड में ले जाके, बोतल उठा लो पानी, फ्रेंड पानी भैया वहाँ से बोतल उठा लो पानी की, पीने वाले पानी की, वो यहाँ पर सारी समस्या आपकी सॉल्व होती है। और हमने एक वीडियो में ये भी बताया था दोस्तों, जादू टोना वाले मरीजों को क्या क्या परेशानी होती है, उनको दवा काम नहीं करती है, बहुत सारी परेशानी वो रहती है और शरीर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है,
और कुछ समझ में नहीं आता मरीज के लिए क्या करें क्या ना करें, तो इस समस्या में आपके लिए समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर बीमारी है और हमारे शरीर को अंदर से बिगड़ कर जाती है। तो अब इन्होंने उल्टी पलटी जो करना था वो कर लिया और अब इसमें यही ढूंढेंगे क्या करना कैसे करेंगे, जब उसे करवाएंगे तो आप देखेंगे। चलनी भी लेके आनी होती है, देखिए यहाँ पर चलनी वगैरह पड़ी हुई है, देखिए इधर दिखाओ जो चलनी पड़ी हुई है काफी पुरानी है, तो मतलब चलनी नहीं होती है तो अपनी भी लेके आ सकते हैं, जब पहले की पुरानी चलनी पड़ी है कोई नहीं लेके आता, नहीं है तो उठा के लगा देते, और वैसे चलनी आज काली मिर्च लेकर यहाँ पर आते हैं, और इन्होंने ऐसा लगता है कि कुछ खा रखा है, खाली पेट यहाँ पर पेशेंट के लिए दोस्तों खाली पेट आना होता है, कुछ खाना पीना नहीं है, और सुबह 4 बजे से लेकर सॉरी अंधेरा होना नहीं चाहिए, मतलब 6 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक आप आ सकते हो, जब तक आपका पेशेंट भूखा रह सकता है जब तक आप यहाँ पर आ सकते हो, और कोशिश यही करेंगे कुछ खा पी करके ना आए, क्योंकि जब खा पी करके आते हो पलटी करते हो तो आपके खाना पीना पैक होता है तो दिक्कत होती है, तो इसमें आप देखेंगे क्या निकला है या नहीं निकला है। इधर लाओ कैमरा, देखो चलनी में दिखाओ, और भैया गौर से देखना जो बाबा हमारे बुजुर्ग को कम दिखता है, देखो आपको दिख रहा है, आपने कुछ खाना पीना गुटखा फुटका खाते हो क्या, यही तो कमी हुई है, गुटखा फुटका खा रहे हो, देखो सब गुटखा बैग तुम्हारे अंदर जमा हुआ था ना, सब गुटखा बाहर निकल गया है, तुम्हारे मुँह में रहना गुटखा जब अंदर से निकला है, अब कितना साल पुराना जम रहा होगा जो मलबा तुम्हारा, देख रहे हो ज्यादा गुटखा ठीक नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का निकल के आया है सब, देखो कुछ निकला है, देखो इसमें कुछ निकला है तो बाहर निकालो, ये देखो देख रहे हो जो तुम्हारे अंदर जमा हुआ था गंदगी सब बाहर निकल गया है, जो अंदर तो जगह तो पहुंचता है लीवरों में जमता है फेफड़ों के अंदर, वही चीज बैग आ रही है आपके, गिर गया नीचे गिर गया, उठाओ, बहुत छोटा होता है जो दिखता नहीं है, जब खिलाया जाता है तो किसी चीज मिला करके आपके शत्रु होते हैं वो खिला देते हैं, इसमें कुछ उल्टा सीधा बना होता है, कई चावल होते हैं, लोंगे होती हैं, और कीले भी होती हैं, किसी किसी का हड्डियाँ होती हैं इंसान की, और एक पंछी होता है उसका भी, और ये तो अपनी बीमारी नहीं है, इसलिए काम से अंडे आ रही है बम्बई में, गुरु जी बताने वाले इसमें क्या है क्या नहीं है, कितने सालों से ये परेशान थे, ये सब आपको बताने वाले, कितनी गांठ है, टोना निकल चुके हैं आपके सामने, और ये भैया खुद ग्रुप के साथ बताएंगे मुझे फायदा है या नहीं, इसे हम पता करेंगे अभी 5 मिनट के बाद में, अभी मात्र 2 मिनट हुआ है, 5 मिनट के बाद रियल ग्रुप के साथ में यहाँ पर रियल मिलता, मरीज सही होकर के जाता है यहाँ पर, अब ये गुरु जी की सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, तो गुरु जी निकले टोना निकले हैं, टोना निकले तो इनके लिए अब कितनी देर में इनको लाभ मिल जाएगा, सही हो जाएंगे ज्यादा ज्यादा 10-5 मिनट अभी ठीक हो जाएंगे 5 मिनट में, देखो दोस्तों पूरी गारंटी के साथ में बाबा हमारे बोलते हैं सही होने की गारंटी देते हैं, और यहाँ पर जो भी पेशेंट आए और भी वीडियो में देखे हैं बिल्कुल वो बड़े खुश होकर के जाते हैं, सही होकर के जाते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं हमें ठीक हो, अभी इनसे भैया से बात करेंगे 5 मिनट के बाद में, देते हैं कितना इसको रेस्ट मिला है, अब इसका क्या करना है जो निकला है इसमें टोना, जला दे कहाँ जलाना है, ये घर के बाहर जलाना होता है धागा, और कितने दिन से परेशान थे, एक साल ज्यादा ऊपर परेशान थे, एक महीने से बहुत ज्यादा, अब कितने दिन से बन गए ना, कितने दिन से परेशान थे, एक महीने से वो खाना पीना बन गया, इसमें कुछ और डेट हो गई, एक्सपायर डेट हो गई थी, डेट एक्सपायर हो गई है खत्म, इसीलिए देख रहे हैं भैया का शरीर डाउन होता जा रहा है, तो गुरु जी इसकी जो एक्सपायर डेट हो जाती है धागा जो खत्म हो जाता है, मतलब इसकी जो गांठें होती है, तो मरीज के साथ क्या होता है,
तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है।